नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल के ऊपर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। शिबा इनू कॉइन के चार महत्वपूर्ण अपडेट्स के ऊपर हम बात करेंगे, जिसके अंदर अमेरिकन एयरलाइंस के द्वारा शिबा इनू कॉइन को एक्सेप्ट किया गया है। डेविड गोक्सचेन ने शिबा इनू कॉइन के बारे में क्या कहा है और कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर शिबा इनू कॉइन को आप स्टेकिंग के ऊपर लगा सकते हैं। उसी के साथ वाइटलिक बुटेन और एलोन मस्क किस तरीके से फ्यूचर में मीम कॉइन्स को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं, इन तमाम न्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे डिटेल के अंदर। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहली न्यूज़ की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि अमेरिकन एयर एंड एयर कनाडा नाउ एक्सेप्ट शिबा इनू विया एफसीएफपे, यानी कि एफसीएफपे का यूज करके अब यहां पे शिबा इनू होल्डर्स जो है वो अमेरिकन एयर और यहां पे एयर कनाडा के अंदर अपना यहां पे जो है वो भैया टिकट परचेज कर सकते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हो रहा है एफसीएफपे की वजह से, और यहां पे इनका वीजा कार्ड आप यूज करके शिबा इनू को इनके साथ पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड न्यूज के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि डेविड गोक्सचेन जो कि शिबा इनू कॉइन के काफी ज्यादा सपोर्टर है, उनके अकॉर्डिंग यहां पे कहा जा रहा है शिबा इनू कॉइन को यहां पे वाइटलिक बुटेन और एलोन मस्क यहां पे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे एलोन मस्क अगर यहां पे डोज कॉइन को इंटीग्रेट करता है अपने ट्विटर के लिए तो यहां पे मीम कॉइन्स को एक बार फिर से यहां पे सपोर्ट मिल सकती है। और वाइटलिक बुटेन पहले ही शिबा इनू कॉइन को अच्छी तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरीके से यहां पे आप देख सकते हैं कि कोविड रिलीफ फंड के अंदर शिबा इनू कॉइन को डोनेशन के ऊपर यहां पे यूज किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो है वो वाइटलिक बुटेन और एलोन मस्क अपना एक मेन किरदार अदा कर सकते हैं इन मीम कॉइन्स को आगे ले जाने में। सबसे पहले अगर हम बात करें एक और न्यूज की तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सिविलाइजेशन लॉन्चिंग न्यू स्टेकिंग पूल्स फॉर ऑल शिबा इनू टोकन्स। यहां पे आप देख सकते हैं कि सिविलाइजेशन जो है वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, उन्होंने यहां पे जो है वो शिबा इनू कॉइन के लिए एक और यहां पे भैया एक गुड न्यूज शेयर की है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि वंस द पूल्स आर लाइव यूजर्स कैन स्टेक शिप बॉन एंड लीव टू अर्न स्टोन रिवार्ड्स, यानी कि आप देख सकते हैं कि सिविलाइजेशन प्रोडक्ट के द्वारा भी शिबा इनू कॉइन को प्रमोट किया जा रहा है। उसी के साथ लास्ट अपडेट के ऊपर हम बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन बिकम जापानीज फर्स्ट टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज टू लिस्ट शिबा इनू, यानी कि जापान के अंदर शिबा इनू कॉइन को लिस्ट किया जा रहा है बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर। और यहां पर बिटकॉइन एक्सचेंज जो कि जापानीज एक्सचेंज है जो कि जापान के अंदर काफी ज्यादा यूज की जाती है, और इस एक्सचेंज के द्वारा शिबा इनू कॉइन को अपनी प्लेटफॉर्म के ऊपर फाइनली लिस्ट किया गया है। सो ये थी कुछ यहां पर इंटरेस्टिंग अपडेट। अगर हम बात करें शिबा इनू कॉइन की प्राइस के बारे में तो यहां पे भैया जिस तरीके से शिबा इनू कॉइन के अडॉप्शन हो रही है, जिस तरीके से यहां पे शिबा इनू कॉइन की एक बार फिर से मार्केट के अंदर हाइप क्रिएट की जा रही है, और जो डेवलपमेंट्स है उसके अंदर ब्लॉकचेन, शिबा इनू कॉइन का मेटावर्स प्रोजेक्ट और भी कहीं ज्यादा चीजें हमें इंक्लूड होती हुई नजर आ सकती है फ्यूचर में। सो मैं आप तमाम दोस्तों को यही कहूंगा, थोड़ा सा पैशन रखिए, शिबा इनू कॉइन को होल्ड करके रखिए, आने वाले फ्यूचर में जो चीजें शिबा इनू कॉइन की टीम बना रही है वो डेफिनेटली शिबा इनू कॉइन को नेक्स्ट लेवल टोकन बनाने तक ले जा सकती है, क्योंकि होल्ड इज गोल्ड और शिबा इनू कॉइन डेफिनेटली इस क्रिप्टो की रेस के अंदर एक आला मुकाम क्रिएट कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूज काफी तक पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव न्यूज शिबा इनू कॉइन या फिर दीगर किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल का घंटा पिसका ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्टेंट के साथ, तो अपना ख्याल रखिएगा। हमें दाद हरे कृष्णा।